चलिए लेट्स स्टार्ट. क्या करते हैं, सुनिए नाउ. अपना कौशी तो थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका है. ओके, सो आई विल आल्सो इंट्रोड्यूस यू टू योर बुक एज सच. नाउ तुमको एक चीज वो मालूम है दैट ऑब्वियसली दिस सब्जेक्ट दैट यू आर डूइंग इज फॉर 100 मार्क्स. ओके, अभी व्हाट इंस्टीट्यूट हैज डन, जिधर आप लोगों का बुक स्टार्ट होता है उधर आइए जरा. वहाँ पे एक इंडेक्स होगा. ओके, वी आर ऑन टू चैप्टर नंबर 6 दैट यू ऑल आर अवेयर. उसके नीचे ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन पेपर होगा वो किस टाइप का होने वाला है. ओके, तो वहाँ पे योर एंटायर पेपर विल बी इन दीज टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. नीचे जरा देखना वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ICAI स्किल वाइज वेटेज फॉर कॉस्टिंग. सो 20-30% विल बी थियरी क्वेश्चंस इंडेक्स के नीचे, इंडेक्स के बिल्कुल नीचे 20-30% विल बी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड 70-80% इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. अराउंड 20-30% इज गोइंग टू बी थियरी एंड अराउंड यहां पे 70-80% आर गोइंग टू बी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे आप लोगों ने कल क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, सो दैट विल बी योर वेटेज एज सच. ओके, तो ये आईसीए की तरफ से, ये मेरी तरफ से वो नहीं है. ओके, तो आपके क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के होंगे. ओके, तो 20-30% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट आई टेल यू फ्रॉम वेयर इट विल बी कमिंग एज सच. ठीक है, आईसी ने ये एक बाइफर्केशन दिया है, उन लोगों ने एक और बाइफर्केशन भी दिया है एंड दैट इज नथिंग बट टॉपिक वाइज वेटेज. उसी के बाजू में जरा चेक करो, वहां पे टॉपिक वाइज वेटेज है. तो इंस्टीट्यूट ने आपके पूरे मॉड्यूल को, ओके, यहां पर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड वो किया हुआ है. हर पार्ट के अंदर क्या क्या चैप्टर है वो आप लोग बाद में वो पढ़ लेना. नो पॉइंट इन मी ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ क्योंकि आपको ज्यादातर टॉपिक्स वो नहीं मालूम. बट जो आपका सेक्शन नंबर 1 है फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, उसका वेटेज 10-15% है. आपका जो पार्ट नंबर 2 है 35-40% है. नेक्स्ट पेज पे जो पार्ट नंबर 3 है 25-30% है. पार्ट नंबर 4 जो है वो 20-25% है. तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो एग्जामिनेशन के अंदर हर क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो इसके हिसाब से होगा. ओके, सो दिस विल वट एवर विल टेल यू वट इज इंपॉर्टेंट वट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो यू कम टू नो ऑल द थिंग्स फ्रॉम हियर ओनली. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, उस चीज के बाद देखो एक लास्ट मिनट रिवीजन करके है जो हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन जो भी करेंगे उसके अंदर वॉट एवर आई हैव टू मेक यू ऑल रिमेंबर, ताकि ऑन द लास्ट डे यू कैन ओनली सी दिस एंड यू कैन गो ओके दैट वी आर गोइंग टू बी राइटिंग ओवर हियर. ओके, तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन अभी तक वो कर लिए हैं. तो आप लोग एक काम जरा करो, कल चैप्टर नंबर 6 था तो चैप्टर नंबर 6 पे आइए. तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 वहां पे लिख के रखो. सुनो, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के बाजू में एक कॉलम जो है वो खाली है. ये कॉलम मैं एंड के अंदर वो फिलअप तो वो करवाऊंगा. व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग ओवर देयर, आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू 3-star रेटिंग, 2-star रेटिंग एंड 1-star रेटिंग. ओके, कि हर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है. 3-star रेटिंग मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2-star ओके, 1-star नथिंग मच इंपॉर्टेंट. लेकिन ये सारा रेटिंग पोर्शन खत्म होने के बाद करवाऊंगा, अभी नहीं करवाएगा. ओके, वरना तुम लोग 1-star क्वेश्चंस के ना यू ऑल विल स्लीप इन द क्लास. ओके, तो इसलिए वो वाला काम वो करवाने का ही नहीं है मेरे को. ओके, लेकिन हर क्वेश्चन के ना व्हाट इज टू बी रिमेंबर्ड वो वाला काम अभी अभी वो कर देते हैं. तो कल फर्स्ट क्वेश्चन किया था, मेरे को बोलो बाय डिफॉल्ट यू फॉलो विच मेथड फॉर वैल्यूएशन, फीफो. तो वहां पर लिख के रखो क्वेश्चन नंबर 1 कॉस्ट शीट, वहां पे लिख के रखो बाय डिफॉल्ट, वो जो बड़ा वाला लाइन है एक बीच में जो कॉलम है क्वेश्चन नंबर के बाजू में वो छोड़ देना. By default, we always follow FIFO method. Question number 2 के लिए वो लिख के रखना. For bad debts, there are 2 options. Dash. मेरे को 2 ऑप्शन बताओ, या S&D या फाइनेंशियल.
अच्छा थर्ड, मेरे को सोच समझ के बोलना, कल किया था लेकिन मेरे को डाउट है कि तुम लोग बराबर बोलोगे या नहीं बोलोगे। मेरे को बोलो अगर क्वेश्चन के अंदर रॉ मटेरियल स्टॉक नहीं होता तो कौन सी दो चीजें सेम हो जाती हैं? क्वांटिटी। एक मिनट, मैंने क्या पूछा, तुम लोगों ने क्या बोला, उसके अंदर कुछ कनेक्शन नहीं था। सुनो, मैं पूछ रहा हूं अगर कोई रॉ मटेरियल स्टॉक नहीं होता तो कौन सी दो क्वांटिटी सेम होती है? अगर रॉ मटेरियल स्टॉक नहीं है, मैं रॉ मटेरियल स्टॉक का बात कर रहा हूँ, फिनिश गुड स्टॉक का बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद फिनिश गुड स्टॉक का बात करेगा। अगर रॉ मटेरियल स्टॉक नहीं होता, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जीरो है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जीरो है, तो मेरे को बोलो क्या दो चीजें सेम हो जाएंगी? रॉ मटेरियल परचेस्ड, आगे बोलो, इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। बेटा डायरेक्ट, कल पहला हेडिंग क्या था कॉशीट का, फर्स्ट हेडिंग क्या था कॉशीट का? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। वो कैसे कंप्यूट होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अगर रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं होएगा, विच टू थिंग्स विल बिकम सेम? रॉ मटेरियल परचेजेस विल बी इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। समझ में आता है? एक और चीज अभी बराबर से बोलना, अगर फिनिश गुड स्टॉक नहीं होता तो, मेरे को बोलो फिनिश गुड स्टॉक नहीं होता तो कौन सी दो क्वांटिटी सेम हो जाएंगी? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स विल बी इक्वल टू, बोलो आगे, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ये दोनों चीजें वो लिखेंगे, छोटा छोटा लिखना, बहुत छोटा, एज इफ यू आर राइटिंग ऑन राइस का दाना। लिखो, इफ देयर इज नो आरएम स्टॉक, कॉमा, रॉ मटेरियल परचेस्ड इज इक्वल टू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अभी कैसे फिट करोगे मेरे को नहीं मालूम। इफ नो एफजी स्टॉक, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर लो। इफ नो एफजी स्टॉक, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड। चलो सुनो, टू मोर थिंग्स एज फीचर्स ऑफ योर बुक। हर एक चैप्टर के एंड में एक होमवर्क सेक्शन है, हर चैप्टर के एंड में, ठीक है, जो मैंने ICA के मॉड्यूल से बनाया है, ठीक है, तो उसका आंसर्स मैं तुम लोग को नहीं देने वाला, वो तुम्हारे ICA के मॉड्यूल्स के अंदर है। अगर अभी तक ICA के मॉड्यूल्स नहीं मिले तो ऑब्वियसली www.ica.org में जाना, वहाँ पे स्टूडेंट्स में जाना, वहाँ पे उसके बाद CA इंटर में जाना, उसके बाद पेपर 3 में जाना, वहाँ पे तुम लोग को मॉड्यूल्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। एवरी चैप्टर ऑफ दैट इज एवरी चैप्टर ऑफ दिस, तो वहाँ पे भी चैप्टर नंबर 6 कॉशीट ही है, ओके, एवरीथिंग इज मैप्ड, ओके, जो भी उसके अंदर है वो इसके अंदर भी है, ठीक है। तो हर चैप्टर के एंड में जो होमवर्क सेक्शन है वो मॉड्यूल का है, तो जिसका आंसर्स मैं नहीं देने वाला, दैट इज योर जॉब। एक अपना चैप्टर खत्म होएगा, तुम्हारे पास 1 वीक होएगा टू फिनिश ऑफ दैट होमवर्क, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग। पूरी बुक के एंड में एक फुल होमवर्क सेक्शन है दैट आई हैव मेड एज सच, ओके, उसका आंसर विल बी शॉर्टली देयर ऑन आवर वेबसाइट, ओके, विच यू ऑल कैन एक्सेस, ओके। सो देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ होमवर्क्स टू बी डन, वन इज ऑफ द मॉड्यूल, ओके, एंड वन इज वॉट एवर क्वेश्चंस आई हैव ट्राई टू पुट ओवर देयर। जो हमारे वाले क्वेश्चंस होंगे उनका आई थिंक मेन आंसर इज ऑलरेडी देयर इन द बुक, ओके, मेन आंसर मतलब जो फाइनल आंसर है, लेकिन फुल फ्लेज आंसर जैसे यू हैव टू बी राइटिंग वो अपनी वेबसाइट के ऊपर विल शॉर्टली बी कमिंग, ओके, दैट आई टेल यू व्हेन इट विल बी कमिंग, ओके, सो देयरफॉर दैट विल टेक केयर ऑफ व्हाटएवर एक्स्ट्रा थिंग्स यू हैव टू बी डूइंग, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक अपना हो चुका है, अभी हम लोग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो करते हैं, इसलिए मेरे को कल तक एटलीस्ट लाइक यू नो कई चीजें फिनिश ऑफ वो कर लेना था विच वर कनेक्टेड, ओके, अभी आज बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चन सुनो। उससे पहले एक छोटा सा चीज, अभी तक जो किया है दैट इज बेसिकली टू थिंग्स, वन इज कॉस्ट शीट एंड द अदर पर्टिकुलर थिंग इज मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पी एन एल अकाउंट। जो भी कंक्लूजन निकाले उधर से तो निकाले,
तो कॉस्ट शीट के अंदर एक डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद क्या आ जाता है बेटा, डायरेक्ट लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा, इसको ग्रॉस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, ओके आपको जो भी बोलना है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद क्या आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी लेस क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद एड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, आई एम सिंपली राइटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन, मतलब वही होता है। नाउ दिस विल बी गिविंग यू व्हाट यार सीओपी। उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीओजीएस। COGS in this case add administration, add S&D, ये वाला admin, कौन सा admin होता है, general, this will give you cost of sales, add profit, get sales, हम लोगों ने कल यही वाला cost sheet में ख्याल से तीन बार बनाया था, okay, अच्छा, apart from that, यहां से लेके यहां तक, this is first part of cost sheet, यहां से लेके यहां तक is your second part of cost sheet, यहां से लेके end तक that is your third part of cost sheet, यहां पर यू आर राइटिंग ऑल दीज एक्सपेंसेस अबव डब्ल्यू आई पी, मतलब ऑल दीज एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इनकर्ड फॉर डब्ल्यू आई पी, तो यहां पर तुम लोग जो भी खर्चे लिखते हो दे आर इनकर्ड फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्ल्यू आई पी, दैट इज वन थिंग। दूसरा, यहां पर जो भी एक्सपेंसेस हैं विल बी इनकर्ड फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, और यहां पर तुम्हारे जो भी खर्चे हैं आर गोइंग टू बी देयर फॉर क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। ये तीन चीजें अपने को ये बता देता है कि अपने को पर यूनिट लाने के लिए कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है। हम लोगों ने कल क्वेश्चंस किए, ऑल्दो जो कल क्वेश्चंस किए उसके ना एक फॉल्ट था जिसके लिए एस्ट्रिक मारा था, ओके एस्ट्रिक क्या मारा था, अगर आपके पास डब्ल्यू आई पी का क्वांटिटी नहीं है तो हम लोगों ने फिर मजबूरी के अंदर सिर्फ कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया था, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, ओके, and that is how we completed all the questions, okay, and by default we always follow FIFO method, bad debts ke liye beta do option hota hai, ya S&D bol lo ya financial bol lo, same do options humare paas cash discount allowed ke liye bhi hote hain, I guess yehi dono ke liye apna discussion hua tha, theek hai, to ye cheez abhi ho chuka hai, okay, now let us start with other variety of questions, okay, aap log question number 4 pe aajo please, abhi ye questions kis cheez ke hain, आपको एक साल का कॉस्ट शीट दिया जाएगा, ठीक है, वो आप लोग बना लो, एक बार वो बन जाएगा वो लोग आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस बताएंगे, वो चेंजेस पढ़ के ओके देन यू ट्राई टू मेक नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट शीट ऑल्सो, ठीक है। अब मेरे को पहले एक दो चीजें जरा वैसे ही बोलना, वैसे ही बस, ठीक है। सपोज मैं सी ए फाइनल का बात करता हूँ, ओके, इन सी ए फाइनल आई टेक द सेम सब्जेक्ट ओनली, दैट इज कॉल्ड एज एस सी एम, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो फाइनल सी ए का वाला सब्जेक्ट है। नाउ इन फाइनल सी ए सपोज लास्ट ईयर आई वॉज डूइंग अराउंड 2000 स्टूडेंट्स इन अ ईयर, ठीक है, मेरा बुक्स का कॉस्ट वगैरह वो जाता था, ओके इस साल अराउंड आई एम गोइंग टू बी डूइंग 3000 स्टूडेंट्स, ओके सोच समझ के बोलना, मैं सिर्फ दो क्वेश्चनों पूछेगा। अभी सपोज फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, ये 2000 स्टूडेंट्स एक ही जगह पर बैठते थे, ओके 3000 स्टूडेंट्स भी एक ही जगह पर बैठेंगे, मेरे पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है वांगखेड़े स्टेडियम, दैट इज ओन्ड बाय मी ओनली, मैं उधर ही लेक्चर लेता है बस, ठीक है। तो अब मेरे को सोच समझ के दो क्वेश्चंस का आंसर देना, मेरे को बोलो पिछले साल 2000 बच्चे थे, इस साल 3000 बच्चे लोग होंगे, ठीक है, विल माई बुक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन सेम और विल इट इंक्रीज, इंक्रीज, वाई, क्योंकि बुक्स कॉस्ट इज विच कॉस्ट बेटा, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हर स्टूडेंट के लिए लगता होगा, तो पिछले साल 2000 बच्चे लोगों को बुक्स दिया, इस साल 3000 को देगा, तो ऑब्वियसली बुक्स कॉस्ट विल बी विच कॉस्ट यार, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन मेरे को जरा बोलो वांगखेड़े स्टेडियम का खर्चा, ओके अभी वांगखेड़े स्टेडियम का जो कैपेसिटी है वो तो 50,000 है, ठीक है, पिछले साल मैंने 2000 बच्चों को बिठाया था, इस बार 3000 को बिठाएगा, ओके तो मेरे को बोलो क्या उसका रेंट चेंज होएगा, नहीं, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस विल बी कॉल्ड एज विच एक्सपेंस या वेरिएबल, सॉरी दैट एक्सपेंस विल बी कॉल्ड एज फिक्स्ड। तो याद रखना फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम इन टोटैलिटी, ओके
Whereas variable cost remains same but per unit. Example, मैं एक बच्चे को जब भी बुक्स देता हूं, सपोज मेरा 1000 रुपीस का खर्चा होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट के पीछे, तो पिछले साल मेरा बुक्स का कॉस्ट कितना हुआ रहेगा? 2000 स्टूडेंट्स, आगे बोलो ना 2000 स्टूडेंट्स इनटू आगे नंबर बोलो ना इनटू 1000, दैट विल बी माय बुक्स का कॉस्ट. ओके, बट दिस ईयर इट विल बी, बोलो आगे, 3000 इंटू 1000. तो कैन वी से जो भी हुआ लेकिन 1000 पर स्टूडेंट तो सेम ही रहा ना. हाँ, टोटल कॉस्ट बदल गया लेकिन पर स्टूडेंट कॉस्ट तो वही रहा ना यार. ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट लमसम के अंदर लगता है. ओके, वी ऑल विल स्टार्ट इस क्वेश्चन के नई चीजों की जरूरत पड़ेगी. ऑब्वियसली सम एक्सपेंसेस आर फिक्स, सम एक्सपेंसेस आर वेरिएबल. ओके, तो लेट अस स्टार्ट दैट पर्टिकुलर थिंग. क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए प्लीज. Electronics Limited furnishes the following information. For 1000 color TV tubes manufactured during the year 2019. Chalo, theek hai. To 2019 ke andar 10,000 CTV, matlab color TV tubes wo banaya tha, uska kharcha udhar likha hua hai. Material, kitne rupees ka kharcha hai beta? 90,000. Labor, 60,000. लेबर मतलब फैक्ट्री वेजेस, तो फैक्ट्री वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस ही होता है. अच्छा सुनो, अभी इसके बाद तुमको हर एक चीज सोचना पड़ेगा कि वो किधर किधर आएगा, ठीक है, अपने हिसाब से वो बोलना. एक मिनट, तुम लोगों ने कल फॉलिंग हेड्स ऑफ कॉस्ट किया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जनरल एडमिन, उसके बाद S&D, और किधर भी कुछ नहीं आता तो वो कौन सा एक्सपेंस बन जाता है? फाइनेंशियल एक्सपेंस. ठीक है, तो अभी किधर ना किधर इन्हीं में से आएगा. ओके, अपना चीज वो सोचते रहना और बोलते रहना. मटेरियल, तो चलो वो तो डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट वेजेस, वो तो डायरेक्ट लेबर है. आगे कंज्यूमेबल स्टोर्स, अभी तुमको तो उसका मतलब ही नहीं मालूम होएगा. कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब सपोज मशीन्स को चलाने के लिए कोयला चाहिए, वो जो कोयला है मशीन को चलाने के लिए चाहिए वो कंज्यूम हो जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं होता, वो तो मशीन्स चलाने के लिए काम में आता है. मेरे को बोलो कोयले का खर्चा तुम्हारे हिसाब से किधर आएगा? वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएगा. ओके, हर एक यूनिट जब मैं बनाता हूं मैं उसके लिए कोयला नहीं डालता हूं. एग्जांपल जरा याद करो एक बार, कल हम लोगों ने डायरेक्ट कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया था. डायरेक्ट कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो हर यूनिट के लिए लगती है. मेरे को बोलो जब भी तू एक यूनिट बनाता है क्या तू कोयला डालेगा? नहीं सर, कोयला तो मैं सुबह एक ही बार डाल दूंगा, जब तक वो चल रहा है वो चलता रहेगा. अच्छा, कैन वी से ये वाला खर्चा फैक्ट्री के अंदर ही होगा, मशीन्स को चलाने के लिए तो कोयला चाहिए, लेकिन वो फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट नहीं है. ठीक है, तो इसलिए वो इधर नहीं आएगा. अभी तुमको समझ में आएगा, अगर इधर नहीं आएगा फिर भी वो खर्चा तो फैक्ट्री का ही है, तो एक ही हेड बच गया. कौन सा हेड बेटा? फैक्ट्री. अंडरलाइन करो, लिखो FOH. आगे कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गया, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस. एक सेकेंड, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस वो होता है जो तुम लोग वो वर्कर्स को देते हो जो लोग प्रोडक्शन नहीं करता. एक मिनट, डायरेक्ट वेजेस का डेफिनेशन क्या था? इट इज अ मनी पेड टू दोज वर्कर्स हु पढ़ो जाके कल किया था जिधर कॉस्ट वाला तुम्हारा टेबल था वहां पे डायरेक्ट वेजेस पढ़ो. इट इज द मनी पेड टू दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट. तो इनडायरेक्ट वर्कर्स विल बी दोज हु डू नॉट प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट. ओके, एक वर्कर फैक्ट्री को झाड़ू मारता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट वर्कर बोलते हैं. ओके, एक वर्कर प्लांट एंड मशीनरी को साफ करता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट वर्कर बोलते हैं. अभी ऐसे लोगों का वेजेस, मेरे को जरा सोच समझ के बोलो किधर आएगा? बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स. लिख के रखो फैक्ट्री ओवरहेड्स. अच्छा, लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, सुनो ये लाइटिंग का खर्चा होता है, दिस इज लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री. ओके, मेरे को बोलो किधर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. डिफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, मेरी तरफ देखो, हम लोगों ने कुछ काम किया, कुछ गुड्स वगैरह बनाया, बराबर नहीं हुआ तो अभी आप उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन का खर्चा करो, आप उसको ठीक करो. फिर ऑब्वियसली ये वाला रेक्टिफिकेशन का काम किधर होएगा बेटा? फैक्ट्री के अंदर. लिख के रखो फैक्ट्री ओवरहेड्स.
आगे अभी नेक्स्ट तो उन लोगों ने दे ही दिया, क्या बोलूं तुमको, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है 39,000। आगे द प्लांट एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्लांट मतलब मशीनरी होता है, तो मशीनरी का रिपेयर मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन ये सब कुछ बेटा किधर आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। द नेट सेलिंग प्राइस वॉज 31.6 पर यूनिट एंड ऑल द यूनिट्स वर सोल्ड। इसके बाद ना एक लाइन ड्रॉ कर लो अक्रॉस द क्वेश्चन, द नेट सेलिंग प्राइस वॉज 31.6 एंड ऑल द यूनिट्स वर सोल्ड, इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर लो। अच्छा तो ये तुम लोग को ना पार्ट ए सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा जो अभी तक मैंने पढ़ा, और जो इसके बाद वाला दो लाइन है वो तुमको नेक्स्ट पार्ट के लिए हेल्प करेगा, पार्ट बी के लिए, ठीक है। तो अभी लास्ट पैराग्राफ वो पढ़ रहा हूं पार्ट बी के लिए। एज फ्रॉम 1st of January 2020 द सेलिंग प्राइस इज टू बी रिड्यूस टू 31 पर यूनिट। मेरे को बोलो पिछले साल कितना था, 31.6, अभी 31 कर देंगे, ठीक है। It is estimated that production could be increased in 2020 by 50% due to spare capacity. Okay. Rates for material and direct wages will increase by 10%. Chalo, wo bhi theek hai. You are required to prepare. Theek hai. E. Cost sheet for the year 2019 for various showing various elements of cost per unit. तो आप एक ऐसा cost sheet बनाओ ताकि आपको हर एक चीज का per unit भी मिल जाए, अपने पास per unit का column होता है ना यार, तो मिल जाएगा उधर। हम लोग ये question part B के लिए कर रहे हैं। Estimated cost and profit for 2020 showing 15, assuming that 15,000 units will be produced and sold. अभी एक चीज मेरे को जरा सोच के बोलना, ये 15,000 किधर से आ गया, पिछले साल तो लिखा था 10,000 बनाएगा, देखो इस साल 15,000 का लॉजिक तो है किधर ना किधर। पढ़ो आराम से पढ़ा करो, पहले सम पढ़ा करो, पिछले साल 10,000 बनाए थे, इस साल 15,000 का इसे बनाएंगे, देखो सम के ना वो लिखा हुआ है, सम पढ़ा करो। साम के ना ये लिखा हुआ है पिछले साल कितने यूनिट्स बनाए थे, 10,000। अभी साम के ना एक लाइन आया, इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्शन कुड बी इंक्रीज इन 2020 बाय, क्या लिखा है, 50% ड्यू टू स्पेयर कैपेसिटी। तो पिछले साल 10,000 बनाए थे, अभी अपने पास स्पेयर कैपेसिटी है, तो हम लोग प्रोडक्शन कितने परसेंट से बढ़ा देंगे, 50%। पिछले साल 10 था, अभी कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है। आगे Estimated cost and profit for 2020, assuming that 15,000 units will be produced and sold during the year, and factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages, and office and selling expenses as a percentage of, क्या लिखा है बेटा, works cost, वो देख लेंगे, part B we will try it up together, part A you will be doing, part A के ना क्या लिखा है, cost sheet for the year 2019 showing various elements of cost per unit, तो बस cost sheet बनाने का और कुछ नहीं करने का है, लिखो जरा please, right now. Cost sheet for the year 2019. अच्छा अभी तुम लोग एक मिनट के लिए वो रुक जाओ, मेरे को बोलो पिछले साल कोई स्टॉक्स वगैरह था क्या, सम के ने देखो स्टॉक का कुछ डेटा दिया हुआ है नहीं, तो मैं क्या बोलता हूं, 10,000 कलर टीवी ट्यूब्स अगर प्रोड्यूस किया और अगर ये नहीं बोला कि स्टॉक है, इसका मतलब क्या होएगा, ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड, आगे बोलो, आर सोल्ड आल्सो, नो अगर कुछ नहीं बोला तो बेटा जो बनाया बेच भी तो दिया ना यार, नहीं बेचेगा तो वो लोग देगा, ओके तो लिख के रखो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू Quantity sold of finished goods. Is equal to 10,000 CTV ya 10,000 units likh sakte ho, that's okay. अभी तुम लोग दो मिनट के बाद स्टार्ट करना, जैसे कल एक क्वेश्चन अपने आप वो किया था, एटलीस्ट इसका ये वाला जो पार्ट है वो तुम लोग खत्म करने वाले हो। सुनो, डायरेक्ट मटेरियल तुम्हारे पास है,
डायरेक्ट लेबर तुम्हारे पास है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, तो जाने देना, और तुम लोग शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करने वाले हो। उसके बाद एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसके ऊपर भी FOH लिखा, 1, 2, 3, 4, वो जितने भी खर्चे थे आई डोंट नो, वो इनर कॉलम में टोटल के अंदर वो लिखना। एक बार तुम्हारा वो वाला काम हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर एक फाइनल थिंग और पर यूनिट निकाल लेना। इसको यूजली हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद क्या एडजस्ट होता है? WIP स्टॉक। देखो क्वेश्चन के अंदर WIP स्टॉक है नहीं है, तो फिर इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देंगे बेटा, फैक्ट्री कॉस्ट। अब मैं ग्रॉस और नेटवर्ड यूज भी नहीं करेगा क्योंकि वैसे भी WIP स्टॉक नहीं है। उसके बाद अगर और ध्यान से सोचोगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, वो वाला कोई एक्सपेंस तो आया ही नहीं ना, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस, एक मिनट, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं दिया रहता, मैंने कल भी बोला था, वो कौन सा वाला एडमिन होता है? एडमिन इन रिलेशन टू प्रोडक्शन के जनरल, जनरल, तो मतलब फिर तो वो नीचे आएगा। ओके, तो ये वाला चीज खुद ब खुद क्या हो जाएगा? COP। लेकिन इस क्वेश्चन के ना फिनिश गुड्स का स्टॉक भी नहीं है, तो ये वाला चीज खुद ब खुद क्या हो जाएगा बेटा? COGS। ओके, उसके बाद एड सम के ना जरा देखो, एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इकट्ठा ही दिया हुआ है, सो देयरफॉर इकट्ठा ही लिखना पड़ेगा फिर तो। ओके, ये वाला चीज हो जाएगा, दिस विल गिव यू व्हाट यार, कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद एट प्रॉफिट गेट सेल्स ओवर हियर, बस एक चीज मेरे को वो बता दो, देन यू ऑल स्टार्ट। मेरे को बोलो सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? 31.6। कितना यूनिट्स बेचा है? 10,000। तो ये वाला फिगर कितना आ जाएगा? 3,16,000। ठीक है, तुम्हारे पास 6 मिनट्स हैं, तुम लोग सम खत्म करने वाले हो, स्टार्ट करो प्लीज।
प्रॉफिट कितना आया बेटा? 82,000। ये कितना था? 39 था, तो कितना? 2,34,000। दिस इज 9, 6, 15, 4.5, 19.5, 3.9, 23.4, 8.2। चलो ठीक है, सुनो, ये हो गया तुम्हारा पार्ट ई ऑफ द क्वेश्चन। एग्जाम्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ इन लाइफ, प्लीज नेम द पार्ट्स दैट यू आर डूइंग। पार्ट ए कर रहे हो तो उसको पता होना चाहिए पार्ट ए तुम लोगों ने किया हुआ है। ओके, अभी लिखो पार्ट बी, राइट ऑन। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2020। ये पिछले वाले से भी थोड़ा सा छोटा ही होगा। अच्छा, तो अभी देखो फ्यूचर टेंस यूज करता है, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग फ्यूचर का बात कर रहे हैं। मेरे को बोलो 2020 के अंदर बच्चा कितना यूनिट वो लोग बनाने वाला है? 15,000। अभी ना सिर्फ एक टोटल का और पर यूनिट का कॉलम ही बनाना, टोटल के ना बाइफरकेशन मत करना, जरूरत ही नहीं पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, add factory overheads, तो तुम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट दे देगा जो तुम्हारा सीओपी भी बन जाएगा, जो तुम्हारा सीओजीएस भी बन जाएगा। add administration and S&D overheads, cost of sales, and profit get sales. अच्छा सुनो, मैं बस एक ही चीज वो कर रहा हूं, बाकी तुम लोग पहले ट्राई करो, गलत होएगा हम लोग फिर वो काटेंगे फिर ठीक करेंगे, दैट्स ओके फॉर मी। ओके, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग को याद तो रहेगा उससे। सम के नजर आ देखो, एज फ्रॉम 1st of January 2020 सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी इंक्रीज टू कितना रुपीज बेटा? 31। यहाँ पे लिखे 31। ऑब्वियसली मेरे को जरा बोलो अभी क्वांटिटी सोल्ड कितना हो जाएगा बेटा? 15,000। तो 15,000 से मल्टीप्लाई करो, 4,65,000। आगे प्रोडक्शन इज टू बी इंक्रीज बाय 50% ड्यू टू स्पेयर कैपेसिटी। अब जो मैं बोल रहा हूं वो सब कुछ अंडरलाइन करना, बिकॉज दे विल हेल्प यू टू कंप्लीट द कॉस्ट शीट। रेट्स फॉर मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस विल इंक्रीज बाय 10%, ये अंडरलाइन करो।
ठीक है, अभी पार्ट बी पर भी आओ, वहां पर भी दो चीजें अंडरलाइन करने का है, जब मैं बोलूं तब करना। एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर 2020 अज्यूमिंग 15,000 विल बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, वो ठीक है ड्यूरिंग द ईयर। एंड आगे अंडरलाइन करो, अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। एक मिनट, वर्क्स कॉस्ट इज एन ऑल्टरनेट नेम फॉर फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो सुनो, जो तुम लोगों ने पहला वाला लाइन अंडरलाइन किया था वो तुमको डायरेक्ट मटेरियल और लेबर के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। जो तुम लोगों ने पार्ट बी के अंदर लाइंस अंडरलाइन किया वो तुमको फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिन और एसएनडी के बारे में बता रहा है। तो बस तुमको वही चीजें तो चाहिए, बाकी तो सिर्फ वो टोटली करने का है। ओके, तुम लोग वो वाला चीजें वो पढ़ोगे, पेंसिल वो लेकर ये सारे के सारे टिक जो है कंप्लीट करो। ओके, पेंसिल लो, आजू बाजू मत देखना, जो भी तुम्हारा अक्कल बोलता है वो वाला काम करो, ताकि वेन एवर आई से वट एवर इज अ करेक्ट आंसर तुमको तुम्हारी गलतियां वो पता चले। ओके, आराम से सोचना। पिछले साल 10,000 यूनिट वो बनाए थे, इस साल 15,000। और एक चीज, मेजर डिफेक्ट इन सीए कोर्स इज ओनली वन, दैट यू डोंट हैव अ हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड राइटिंग, यू राइट एंड देन थिंक। ओके, मैंने इससे पहले कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दिया था, शायद वो वाला एग्जाम्पल किधर काम में आए तुमको। ओके, आराम से सोच लेना मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था। ओके, एंड देन ट्राई टू थिंक वट एवर यू आर गोइंग टू बी डूइंग। ओके, तुम लोग स्टार्ट करो, तुमको मैं चार चीजें वो चाहिए, मैं तुमको एक मिनट का ओवर टाइम भी देता है, 5 मिनट देता हूं, ट्राई टू कंप्लीट। पेंसिल से करो, इट इज ओके टू गेट इट रॉन्ग।
चलो सुनो नाउ स्टार्ट करते हैं. लिसन आई डोंट नो व्हाट एवर यू ऑल हैव डन लेकिन ठीक है. देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ है रेट्स फॉर मटेरियल एंड लेबर हैव इंक्रीज्ड बाय 10%. ऐसा कुछ ना कुछ है. चलो ठीक है सुनो जो तुम लोगों ने लाइन्स अंडरलाइन की ना जरा सोचो वो क्वेश्चन के ना प्रिंटेड ही नहीं थी. ठीक है थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच लो वो सब कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर. सपोज पिछले और इस क्वेश्चन के ना एक ही फर्क था. पिछले साल बेटा कितने यूनिट्स बनाए थे 10,000. इस साल कितने यूनिट्स बनाए 15. सपोज और कुछ भी फर्क नहीं है. ठीक है और कुछ भी फर्क नहीं है. ठीक अब मेरे को सोच समझ के बोलना अक्कल यूज करना टाइम जाएगा थोड़ा सा. मेरे को बोलो अगर वो वाली लाइंस कभी होती नहीं सिवाय बस पिछले साल 10,000 यूनिट इस बार 15,000. ठीक है तो मेरे को बोलो इधर और इधर तुम लोग पिछली कॉस्ट शीट से 90,000 कॉपी करते कि 9 कॉपी करते. तो दोनों ही कॉपी कर लेते पागल है. अगर 90,000 कॉपी कर दे फिर 90,000 किससे डिवाइड होता 15,000. सो इधर फिर पर यूनिट कितना आ जाता 6 आ जाता. ओके अगर तू 9 कॉपी करता पिछली कॉशीट से फिर यहाँ पे 90,000 नहीं आता यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो जाता कितने से बेटा 15,000. तो आंसर कितना आ जाता 1,35,000. ओके अब तुम लोग अक्कल यूज करो और मेरे को जरा बोलो इसके लिए बुक वगैरह की कोई जरूरत नहीं है. मेरे को बोलो अगर कुछ चेंजेस नहीं होता तुम लोग 90,000 कॉपी करता कि 9 कॉपी करता. बोलो 9 ऑब्वियसली पागल. ये डायरेक्ट मटेरियल है डायरेक्ट मटेरियल हर एक यूनिट बनाने के लिए जाएगा. इन दिस केस में एक यूनिट बनाएगा तो मटेरियल फिर से जाएगा दो यूनिट बनाएगा मटेरियल फिर से जाएगा तीन बनाएगा तो फिर से जाएगा. अगर तूने पिछले साल 10,000 यूनिट बनाया था तेरा मटेरियल कॉस्ट का खर्चा 90,000 रुपए हुआ था. इस बार अगर 15,000 भी बनाएगा तो भी मटेरियल कॉस्ट का खर्चा सेम ही होगा क्या. अरे मटेरियल कॉस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा ना तेरा. अगर मैं 2000 बुक्स अगर मेरे पास 2000 स्टूडेंट्स होते हैं तो बेटा मेरा कॉस्ट विल बी 2000 × 1000. अगर 3000 होते हैं आगे बोलो इट विल बी 3000 × 1000. हर एक एक मिनट मटेरियल का मतलब क्या होता है. डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये वो वाला मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट के अंदर होता है. तो एक और यूनिट बनाएगा तो मटेरियल कॉस्ट फिर से वो लगेगा ना. तो मेरे को जरा बोलो अगर कुछ नहीं बोला होता अक्कल यूज करो अभी 90,000 कॉपी करूं कि 9 कॉपी करूं 9. इट विल बी अ वेरिएबल कॉस्ट. नो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है. तो पिछले साल 9 रुपया था इस साल कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करेगा 15,000. तो ये वाला फिगर कितना आ जाता 1,35,000. लिखो मत. ओके मेरे को बोलो अगर लेबर के लिए कुछ नहीं लिखा होता तो 60,000 कॉपी करता कि 6 कॉपी करता 6. क्यों. इट इज वेरिएबल कॉस्ट बेटा. डायरेक्ट का मतलब एक मिनट डायरेक्ट कॉस्ट के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. कौन सा दो. वेरिएबल. बस बात खत्म होगी. तो वो वेरिएबल तो है ना. हर एक यूनिट के लिए लेबर कॉस्ट लगता है. तो इन दिस पर्टिकुलर केस क्या कॉपी करेगा 60,000 के 6 रुपी. लेकिन 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने यूनिट से 15,000. तो ये वाला फिगर कितना आ जाता 90,000. और एक चीज 100% वो लोग तुमको ओवरहेड्स के बारे में ज्ञान देगा कि वो फिक्स्ड है कि वेरिएबल है. वो उन लोगों को तुमको बताना ही पड़ेगा क्योंकि बेटा ओवरहेड्स के अंदर इतने सारे खर्चे आ सकते हैं. एग्जांपल रेंट अगर होता तो ओके मेरे को बोलो रेंट इज वेरिएबल कॉस्ट के फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स. डेप्रिसिएशन इज वेरिएबल कॉस्ट के फिक्स्ड कॉस्ट. डेप्रिसिएशन इज वेरिएबल कॉस्ट के फिक्स्ड कॉस्ट. एक मेरे को बोलो तुम लोग डेप्रिसिएशन जिंदगी में कैसे कंप्यूट किया आज तक फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करता है. डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करता है. कोई भी क्वेश्चन अगर मैं तुमको 11th स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन का चैप्टर बताऊं डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे आता है. मैं सो नहीं रहा मेरे को चक्कर आ रहा है पागल लोग. डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करता है. या SLM या SLM मेथड या WDV मेथड क्या कभी नंबर ऑफ यूनिट्स लेता है उसके अंदर. कितना यूनिट्स बनाया उस मशीनरी ने क्या तुम लोग कभी वो चीज लेता है. नहीं ना. ओके तो मतलब दैट कॉस्ट इज आई एम आस्किंग डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड के वेरिएबल. फिक्स. नो. ओके तो डेप्रिसिएशन जितना लास्ट ईयर था अगर कुछ नहीं बोला उतना ही इस साल रहेगा.
एग्जाम्पल एग्जाम्पल पिछले साल का एग्जाम्पल तुमको बोल रहा हूँ, प्लांट रिपेयर्स मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन कितने रुपीज का था? 11,500. अभी 11,500 तुम लोगों ने इधर लिखा किधर, बराबर वो किधर ना किधर इधर लिखा ना 11,500. तो कहीं से अगर उसका पर यूनिट निकालता तो कितना आ जाता, 1.15 आ जाता. ओके, मेरे को जरा बोलो, अगर सपोज इस साल भी मैं सिर्फ उसी एक्सपेंस के बारे में बात करूं, मेरे को बोलो तुम लोग 11,500 कॉपी करता है कि 1.15? 11,500. क्यों? इट इज फिक्स्ड कॉस्ट बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम इन लमसम. नो, तुमको समझ में आता है? तो चाहे जितने मर्जी स्टूडेंट्स आए, रेंटल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना इस जगह का. इज इट डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? नो. बट इज बुक्स कॉस्ट डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? यस. सो बुक्स कॉस्ट इज विच कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट. रेंटल कॉस्ट इज विच कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट. तो अभी अक्कल यूज करो, मेरे को जरा बोलो तुम लोग 11,500 कॉपी करता कि 1.15? बस काम खत्म हो गया अभी मेरा, ठीक है? तो ओवरहेड्स के बारे में ना वो लोग हमेशा तेरे को बताएगा. ओके, जो तुम लोगों ने पार्ट बी के ना लाइन अंडरलाइन किया उधर कुछ ना कुछ वो बताया हुआ है, वो इंप्लीमेंट करेंगे 2 मिनट के बाद. अब मेरे को तुम लोग वो बोल देना, पहला वाला अंडरलाइन लाइन, रेट्स फॉर मटीरियल एंड लेबर विल इंक्रीज बाय 10%. अक्कल यूज कर रहा, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, मेरा पोपट मत करना, सुनो मेरी बात. यहां पर तुम लोग 90,000 प्लस 10% करेगा कि यहां पर 9 प्लस 10% करेगा? 9 प्लस 10%, क्योंकि ये कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट. तो पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन होएगा. अगर मैं तुमको बोलूं, सपोज मेरे को सोच समझ के बोलना, लास्ट ईयर मेरा पब्लिशर मेरे को हर बुक कितने में देता था? 1000. सपोज मैं बोलता हूं इस साल उसने रेट 10% से बढ़ा दिया, तो तुम लोग क्या सोचेगा? सर हर एक बुक अभी आपको 1000 रुपए का नहीं पड़ेगा, आगे बोल 1100 का पड़ेगा. बट नाउ 3000 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 1100. नो, तो अभी रेट्स विल इंक्रीज बाय 10%, मतलब पिछले साल ही 9 था, अभी कितना हो जाएगा? 9.9. लिखो उधर 9.9. 9.9 इनटू 9.9 इनटू 15,148,500. आगे रेट्स फॉर लेबर है आल्सो इंक्रीज बाय 10%, तो क्या कॉपी करूं? 60,000 के 6 और 6 के अंदर कितना परसेंट बढ़ा देने का? 10%, तो कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 15,000. आगे फैक्ट्री ओवरहेड, सुनो फैक्ट्री ओवरहेड्स वहां पे एक लाइन दिया हुआ है, बस उतना ही पढ़ो और सोचना स्टार्ट करो और मेरे को आंसर बता देना. जिन लोगों का आ चुका था मेरे को बोल सकते हो. फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तुमको जो सोचने का है सोचो, मैं फाइनली तुमको एक और मिनट वो दे रहा हूं जिसको ट्राई करने का है. बस वही लाइन पढ़ते रहो बार 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 बार. फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और मेरे को आंसर बताओ इधर. जिसका आंसर आ गया मेरे को बता दो कि कितना है. सब लोग पढ़ते रहो, सोचते रहो, काम करते रहो. थिंक वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू से बाय दैट लाइन. फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस.
इट इज नॉट रिटन इट इज सेम एज डायरेक्ट वेजेस. पढ़ो उधर बराबर से. नहीं 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 पढ़ो 10 बार और. स्टार्ट करेंगे. सुनो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का डायरेक्ट वेजेस के साथ एक रिश्ता है, तो फिर वो रिश्ता निकालो फिर और क्या. ओके अभी वो रिश्ता किधर से मिलेगा बेटा? यहां से तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाला फिगर ही नहीं है मेरे पास. ओके तो फिर किधर से मिलेगा? पिछली कॉस्ट शीट में जाओ फिर और क्या. ओके तो यहां पर अभी एक काम जरा वो करेंगे. फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. कैलसी पकड़ो 45,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 मारो तो कितना आता है बेटा 75%. सो ऑब्वियसली फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. इतना समझ में आया? अभी तुमको ये वाला रिश्ता जो है, ये वाला जो परसेंटेज है, यू हैव टू मेंटेन इट. तो इस साल भी इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला रिलेशनशिप कितना होना चाहिए 75%. लेकिन इस साल तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस कितना हो चुका है बोलो मेरे को? 99,000. पकड़ो 99,000 इंटू 75%, देखो कितना आता है 74,250. फर्स्ट मेथड. ये मेथड समझ में आ गया? मैंने वो ही किया. जिंदगी में अपने हिसाब से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ही काम करने का बस. ओके आंसर इज देयर इन द क्वेश्चन ओनली, यू शुड ऑलवेज लर्न हाउ टू बी फाइंडिंग आउट दैट. सुनो ऐसा करने का है ऐसा कर सकते हो, कुछ और करने का है कुछ और तरीका वो बता देता हूं. उन लोगों ने क्या लिखा है? फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स इज रिलेटेड टू डायरेक्ट वेजेस. तो चलो ठीक है, पिछले साल डायरेक्ट वेजेस कितना था 60,000, तो पिछले साल ये कितना था 45,000. इस साल तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस कितना हो गया 99,000. तो इस साल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वही वाला चीज है. ठीक है, अगर ये भी नहीं करने का तो एक सॉलिड मेथड बोलता है. उन्होंने क्या लिखा है? फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. मतलब जो डायरेक्ट वेजेस के साथ होएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ भी होएगा. एग्जांपल मैं तेरे को बोलता हूं यू आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर फादर. ओके तो मतलब जो तेरे बापू के साथ हुआ वो तेरे साथ भी होएगा. ओके सो देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस जरा सोचो वेजेस के साथ क्या हुआ था. वेजेस के साथ क्या हुआ था? समझ गए? क्या लिखा हुआ था? इट इंक्रीज बाय 10%. नो सो इवन फैक्ट्री ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 10%. और तुम लोगों ने 10% याद करो पर यूनिट ही बढ़ाया था ना, तो ये पिछले साल कितना था 4.5, तो ये भी 10% से बढ़ जाएगा. कैलसी लो 4.5 प्लस 10% मारो कितना आ जाएगा 4.95. ये तो पर यूनिट ही होएगा ना. अभी इंटू इंटू क्या इंटू करो आंसर 74,250. तुमको जैसे करने का है करो, तुम्हारा आंसर वही आने वाला है. ओके इट्स ओनली दैट व्हाट इज रिलेटेड टू व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू डायरेक्ट वेजेस. ओके यहां पे लिख के रखो वर्किंग नोट 1. नेक्स्ट पेज पे चलो. तीनों मेथड में करवा रहा हूं फॉर दिस, नेक्स्ट वाले के लिए तुमको जो अच्छा लगे वो कर लेना. ओके लिखो वर्किंग नोट 1 फैक्ट्री ओवरहेड्स. लिखो फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन 2018. इन 2018 सो 45,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इनटू 100. 18 बेटा 18.
तो दिस विल बी 75%. अब ये 75% 2019 के लिए अप्लाई करो. एक सेकंड, सॉरी ये 2019 ही था. सॉरी अभी 2020 के लिए. राइट ऑन. देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स इन 2020 75% of 99,000, 74,250. Next line पे लिखो और. ये 60,000 था, ये 45,000 था. Now, 74,250. Write on or. Write on. If direct wages is related to factory overheads, comma, then whatever happened for direct wages should happen for factory overheads. Full stop. Therefore, factory overheads per unit. Will also increase by 10%. Full stop. Therefore, it will become 4.5 plus 10% is equal to 4.95. Bas, that's it. Chalo, factory cost tak pahuncho. कितना होता है बेटा टोटल? 321,750. 21.45. सुनो, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स का रिश्ता किसके साथ था बेटा? डायरेक्ट लेबर. वैसे लास्ट लाइन जरा पढ़ो मेरे को, बोलो एडमिन और एसएनडी का रिश्ता किस चीज के साथ है? बोलो फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वर्क्स कॉस्ट. नो, ओके. सो इन दैट केस अभी तीनों में से तुमको कौन सा मेथड वो अच्छा लगा? कोई एक मेथड बोलो और बोला करो क्लासरूम के अंदर, कुछ ना कुछ तो बोलते रहा करो. बोलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला अच्छा लगा तो वो करते हैं. लिखो वर्किंग नोट नंबर 2. एडमिन एंड एसएनडी ओवरहेड्स. बस यहां पे टाइटल्स विल चेंज. तुमको क्या चाहिए? एडमिन एंड एसएनडी, और उसको रिलेट करने का है किस चीज के साथ? फैक्ट्री कॉस्ट. तुम लोग खत्म करो प्लीज, कॉस्ट शीट के अंदर डालना, कॉस्ट शीट खत्म करो.
64,350. Put that, finish off your cost sheet, please. कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था, एक मेरे दिमाग में था बिजनेस नंबर वन करेगा, ऐसा मेरे दिमाग में था, या फिर बिजनेस नंबर टू करेगा। मैं दोनों बिजनेसेस नहीं कर सकता, उतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर, ठीक है, या बिजनेस नंबर वन या बिजनेस नंबर टू। तो मैं क्या कर रहा हूं, तुमको एक टोटल का कॉलम दे रहा हूं, एक पर यूनिट का, टोटल का कॉलम दे रहा हूं पर यूनिट का, ठीक है। मैंने डीएम डीएल सारी कॉस्ट का टोटल मारा तो एंड के अंदर टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट मतलब तुम्हारी लैंग्वेज के ना कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, ठीक है। तो ये आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पर फिर एड प्रॉफिट किया और सेल्स आ गया, ठीक है। तुमको सिर्फ इतना ही डेटा बिजनेस नंबर वन के लिए भी दे रहा हूं और बिजनेस नंबर टू के लिए भी दे रहा हूं, ठीक है, बराबर से सुनना मैं क्या बोलने वाला है। अभी तुमको मेरे को एंड के अंदर ये बोलने का है कि कौन सा बिजनेस करें, ठीक है, तुमको मेरे को वो बोलने का है कौन सा बिजनेस करूं। मैं बिजनेस नंबर वन के अंदर जो प्रोडक्ट बनाएगा ना उसका जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट है 8 रुपीज का है, ठीक है, उसका जो सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज का है, तो बेटा बीच में प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2। अभी ऑब्वियसली टोटल के लिए मेरे को तुमको नंबर ऑफ यूनिट्स भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज इस बिजनेस के अंदर तुम लोग हर साल 10,000 यूनिट बनाकर बेच सकता है, ठीक है, तो बेटा फिर तेरा सेल्स कितने रुपीज का होएगा, 1 लाख। तेरा टोटल कॉस्ट कितने रुपीज का हो जाएगा, 80,000। प्रॉफिट कितना कमा लेगा, 20,000, ठीक है। ये हो गया एक चीज। दूसरे वाले बिजनेस के अंदर तेरा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 100 रुपए का होगा, ठीक है, तेरा कॉस्ट जो होगा 99 पर यूनिट होएगा, ठीक है, तो तू प्रॉफिट पर यूनिट कितने का कमाएगा, 1। लेकिन ना तू उस बिजनेस के अंदर बेटा लाख यूनिट बनाकर बेच सकता है हर साल, ठीक है, 1 लाख यूनिट, ठीक है। तो मैं बस टोटल फिगर्स को निकाल रहा हूं, तो यहां पर टोटल फिगर्स कितना आ जाएगा, 99 लाख, यहां पे कितना आ जाएगा, 1 लाख, यहां पे कितना आ जाएगा, 100 लाख। तेरे को दोनों में से एक धंधा स्टार्ट करने का है, ठीक है। तुम लोग अभी आपस में लड़ाई करो, तुमको कौन सा धंधा अच्छा लगता है, बिजनेस वन के बिजनेस टू, आराम से, आराम से, ओके। इसके लिए कोई नॉलेज तो नहीं चाहिए, ये तो धंधे वाली बात है। मेरे को तुम लोग बताओ कौन सा बिजनेस करने की इच्छा है, कॉमन सेंस, बस आराम से सोचते रहना। मेरे को हर एक का अपना अपना व्यू चाहिए, जो भी 1 या 2, दोनों नहीं बोल सकते बस, ठीक है। और कैल्सी वगैरह क्या यूज करने का, सारे नंबर्स तो मैंने लिख के दिए, तो कैल्सी क्या यूज करता है मेरे को बताना। ओके, बिजनेस टू, चलो एक हाथ वो उसके लिए, अभी बोलते रहो मैडम, बोलते रहो। बिजनेस वन, ओके, टू, वन 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 वन, टू, वन 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 वन, टू, वन। अच्छा, अभी जिन लोगों ने बिजनेस नंबर वन बोला मेरे को बस ये बोल देना, क्यों तूने क्यों बिजनेस वन बोला।
ओके तो ये वाला जो रेशो है ये 20% है इसलिए ये अच्छा, ये 1% है तो इसलिए बुरा हो गया। हाँ मतलब तेरे हिसाब से वो कंपेयर, लेकिन ये नहीं देखने का इधर तू ज्यादा कमाएगी नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ बस जनरल नॉलेज। तो तूने क्यों टू बोला? फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, वो तो मेरे को भी नहीं मालूम मैं कल वो जिंदा रहेगा कि नहीं टू टीच यू, वो तो जाने दे। तो फ्यूचर के बारे में बात नहीं करेंगे, जो प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। वन के टू, तूने वन ही बोला था? अच्छा तो क्यों पलट गई टू? क्यों? कुछ ना कुछ रीजन तो होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा है। ओके वन बोला था क्यों, टू बोला था क्यों, टू बोला था प्रॉफिट ज्यादा है, कौन सा वाला प्रॉफिट? पर यूनिट के टोटल, क्योंकि पर यूनिट कम है टोटल ज्यादा है, मैंने नंबर्स बहुत इंटेलिजेंटली मैं लिखता हूं, तो कौन सा प्रॉफिट ज्यादा है? टोटल ज्यादा है तो इसलिए वो अच्छा जिधर टोटल प्रॉफिट ज्यादा, करेक्ट? दोनों का रीजन वही था पक्का। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट सब लोगों ने वन क्यों बोला था बोलो। चलो दोनों पर यूनिट ज्यादा है, ओके पर यूनिट इधर टू है इधर वन है, इसके लिए एक मिनट, तूने पर यूनिट क्या बात कर रहा है, कॉस्ट का बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है कि प्रॉफिट का बात कर रहा है? प्रॉफिट। चलो सुनो, जिंदगी में ना कई चीजों के बारे में तुम लोग पढ़ते हो दैट्स ओके, लेकिन जिंदगी में हर चीज जो पढ़ते हो इन रियल लाइफ नो इट डज नॉट अप्लाई, ऑलवेज डू रिमेंबर एंड दिस इज वन सब्जेक्ट नो दैट विल ब्रिंग यू वेरी क्लोज टू रियलिटी, कि तुम्हारा जो बुक्स वगैरह वो होता है ना अकाउंट्स वगैरह सब फालतू चीज रहता है, इन रियल लाइफ व्हाट मैटर्स इज मनी। ओके मेरे को बोलो दोनों धंधे में से कौन से धंधे के अंदर तू अमीर बनेगा, बस मेरे को वो बोल दो, बिजनेस वन के बिजनेस टू। मेरे को बोलो अगर मैं तेरे को ऑप्शन दूं आज घर 20,000 लेके जा कि आज घर 1,00,000 रुपीज लेके जा, मेरे को बोलो तेरे को क्या अच्छा लगता है? बोलो ना यार, तुमको 20,000 अच्छा लगता है कि 1,00,000? वाला तो बात खत्म होगी, तो फालतू चीजों के बारे में बात नहीं करते सर, प्रॉफिट पर यूनिट में उसका क्या चार्ट डालूं? ओके अल्टीमेटली व्हाट आई वांट इन लाइफ इज मनी ओनली, नो मनी मींस एब्सोल्यूट मनी यार। ओके बाकी चीजें प्रॉफिट पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट अपने को क्या करने का है? ओके तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं, सपोज अभी ये अपना क्लासेस है, ओके एज नेक्स्ट, अभी इन दिस केस मेरा एक दिन मन किया इसको एप्पल के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है? तो मन करने के अंदर क्या है, किसी का भी तो कुछ भी मन करता है, तो मेरा भी करता है। तो मेरे को पता चला कि जितना भी हम लोग रेवेन्यू कमाता है या एप्पल कमाता है उसका एक परसेंटेज इज नथिंग बट आर नेट प्रॉफिट। एजेनएक्स का वो 50% था, एप्पल का 30% था, ठीक है? मेरे को बोलो कौन सा कंपनी बड़ा कंपनी, बोलो एप्पल, क्योंकि ये फालतू चीजें नहीं सोचते बेटा। अपना 50% इज ऑफ से सम करोड़, ओके से 5 करोड़, ओके दैट इज से माय टर्नओवर, सो 5 करोड़ इनटू 50% मेरे को 2.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है, ओके उसका तो बाय गॉड से 1,000 बिलियन और वो भी साला डॉलर्स के अंदर, ओके तो ऑटोमेटिकली इन दैट पर्टिकुलर केस मेरे को बोलो कौन ज्यादा अमीर, वो ज्यादा अमीर के हम लोग ज्यादा अमीर, वो ज्यादा में तो बात खत्म होगी। व्हाट मैटर्स इज दिस यार, ये परसेंटेजेस ये वो सब चीजें और ऑल यूजलेस इन लाइफ। जिधर ज्यादा गांधी घर पे आएगा दैट ऑप्शन इज बेटर, गांधी मतलब हाँ बस, ओके सो अल्टीमेटली वो ऑप्शन बेस्ट जिधर ज्यादा पैसा कमाएगा इन रियल लाइफ, दैट इज द ओनली एम ना यार। वो तेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होएगा लेकिन अगर टोटल प्रॉफिट वो ज्यादा है तू बड़ा आदमी है ना यार, ओके सो व्हाट मैटर्स इज एब्सोल्यूट मनी, नथिंग एल्स मैटर्स इन दिस वर्ल्ड। ओके वन क्वेश्चन ओनली ऑन दैट प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए प्लीज पढ़ो। A company has capacity to produce 1,00,000 units of a product every month. Its works cost at varying levels of production is as under. Level in percentage 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Now 10% ka matlab, ek min, unka capacity beta kitna tha? 1,00,000 units. वो लोग 10% पर ऑपरेट करेगा, मतलब ये डेटा शायद एक मंथ का है, फर्स्ट लाइन पे देखो वो लिखा हुआ था एवरी मंथ, तो देखो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 1,00,000 बोले तो कितना यूनिट्स हो जाएगा 10,000। अगर तू हर मंथ 10,000 यूनिट बनाएगा तो तेरा वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट बेटा कितने रुपीज का हो जाएगा 400। एक काम कर 10,000 यूनिट मत बना, 20,000 यूनिट्स पर मंथ बना,
तो तेरा वर्क्स कॉस्ट कितने का हो जाएगा, 390 ब्ला ब्ला ब्ला, और वो कम होता जा रहा है. अगर वो देखोगे किधर भी बीच में कुछ एडहॉक नहीं है, कम होता जा रहा है. ठीक है. इट्स फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अमाउंट्स टू 1,50,000 एंड फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस अमाउंट्स टू 2.5 lakhs पर मंथ रिस्पेक्टिवली. इट्स वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज ₹30 पर यूनिट. ठीक है. तो अभी तक तुम्हारे पास चार कॉस्ट आ गए. मेरे को चार कॉस्ट के नाम बताओ. अभी तक चार कॉस्ट वो पढ़ लिए. कौन से चार कॉस्ट? एक वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, आगे फिक्स्ड एडमिन, आगे फिक्स्ड मार्केटिंग, आगे और एक तुम्हारा वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. कितने रुपीस का बेटा? 30. तो अभी तक तुम्हारे चार कॉस्ट वो आ चुके हैं इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. आगे इट कैन मार्केट 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट 500 पर यूनिट. मार्केट मतलब सेल होता है. इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट 500 पर यूनिट प्रोवाइडेड इट इनकर्स द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंसेस. मैं तब देखो बोलो क्या बोलता है. वो लोग 100% पर ऑपरेट कर सकता है कब? अगर वो अपना सेलिंग प्राइस कितना रखे बेटा, 500, और ये वाले भी खर्चे करे, ये वाले बोले तो ए बी सी और डी. देखो ए बी सी डी के अंदर क्या क्या है. फर्स्ट, इट गिव्स गिफ्ट आइटम्स कॉस्टिंग ₹30 पर यूनिट ऑफ सेल. ठीक है. बी, इट हैज लकी ड्रॉज एवरी मंथ गिविंग फर्स्ट प्राइज ऑफ 50, सेकेंड प्राइज ऑफ 25, थर्ड प्राइज ऑफ 10,000 एंड थ्री कॉन्सलेशन प्राइज ऑफ 5,000 ईच टू द कस्टमर्स बाइंग द प्रोडक्ट. इट स्पेंड्स 1,00,000 rupees ऑन रिफ्रेशमेंट सर्वड एवरी मंथ. इट स्पॉन्सर्स अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20,00,000 rupees अ मंथ. फाइन. आगे दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, वंडरलाइन करो. इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 550 पर यूनिट विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस रेफर टू इन. क्या लिखा है बेटा? ए टू डी अबव. तो वो लोग क्या बोलते हैं? अगर 30% तक ही गुड्स बेचने का है ना, अगर 30% तक ही बेचने का है तो किस प्राइस के ऊपर बेच सकते थे? 550. और तुमको ए टू डी का खर्चा भी नहीं करना पड़ता. ओके. तो एक मिनट, ए टू डी का खर्चा कब करना पड़ता है? व्हेन यू वांट टू सेल एट 100%. और फिर तुम्हारा सेलिंग प्राइस भी कम करना पड़ेगा. कितने रुपीज का? 500. एडवाइज अ कंपनी ऑन द कोर्स ऑफ इट्स एक्शन, शो द सपोर्टिंग कॉस्ट शीट्स. चलो ठीक है, सुनो. अभी दो तीन चीजें याद रखना, तुमको वो लिखवाऊंगा अभी जहां पे तुम लोगों ने जगह छोड़ा हुआ है. देखो कल हम लोगों ने फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट वगैरह किया, सब तुमको बहुत अच्छा लगा. बट याद रखना, ऑल दोस फॉर्मेट्स ऑफ कॉस्ट शीट्स नो ओनली मैटर इफ देर इज स्टॉक इन द क्वेश्चन. जरा सोचो, ये जो तुम लोगों ने पिछले क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट शीट किया, अगर मैं उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल इधर भी डाल देता बेटा, मेरा प्रॉफिट तो वही रहता ना यार. अगर स्टॉक होता है ऑल दीज थिंग्स मैटर. ओके. एग्जाम्पल के तौर पे कल तुम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया, कोई भी क्वेश्चन निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो नोटबुक्स के ना, मेरे को बोलो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फिनिश गुड स्टॉक तो था. ओके. वहां पे डायरेक्ट मटेरियल मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं उसको नीचे किधर ना किधर वो डाल देता, सपोज मैं उसको COGS के नीचे डाल देता, तो बेटा फिर मेरा फिनिश गुड्स का जो वैल्यू था स्टॉक का पर यूनिट वो बदल जाता ना. एक मिनट, कल अपना फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट बेटा कितना आया था? कल अपना COP पर यूनिट कितना आया था? 4.090625. बेटा दिस फिगर वॉज यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. नो, अगर कल को मैं अगर डायरेक्ट मटेरियल को ऊपर से नीचे डाल देता मेरा आंसर बदल जाता ना. लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन अज्यूम करो, लेकिन कोई स्टॉक नहीं है. ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है इसके ना कोई स्टॉक नहीं है. इसके अंदर अगर स्टॉक नहीं है, तुम लोग मटेरियल ऊपर लिखो या नीचे लिखो क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो वही रहेगा ना. तुमको समझ में आता है? सो दोस फॉर्मेट्स दैट आई टॉट यू ओनली मैटर इफ देर इज स्टॉक, वरना तुमको प्रॉफिट ही चाहिए ना. कॉमन सेंस से आज तक प्रॉफिट कैसे मिलता है? सेल्स माइनस कॉस्ट. कॉस्ट के अंदर कोई भी कॉस्ट जिधर मर्जी लिखो, टोटल वो करेगा तो वही आएगा ना. 1+2 करेगा या 2+1 करेगा, आंसर तो 3 आने वाला है. तुमको समझ में आता है? तो एक काम जरा करो, कल वो जो तुम्हारे पास दो तीन साइड वो ब्लैंक था उधर आ जाओ, लिखो. राइट डाउन. लिखो एक हैशटैग वो डाल के, यू ऑल कैन राइट डाउन. लिखो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट ओनली मैटर्स
if there is stock. Full stop. If there is no stock, comma, we can put any expense anywhere. चलो सुनो अभी एक और चीज याद रखना, वो ऑप्शन अच्छा जिधर टोटल प्रॉफिट ज्यादा. ये वाला एग्जांपल मैंने उसी चीज के लिए दिया था. देखो अभी बराबर से सुनो मैं तुमको क्या बोलता हूं. देखो इस क्वेश्चन के अंदर इफ यू आर अ मैड पर्सन नो ओके यू विल मेक 10 कॉस्ट शीट्स. देखो सम के लास्ट टाइम क्या लिखा है, एडवाइज द कंपनी ऑन द कोर्स ऑफ इट्स एक्शन. मतलब ये बताओ कि भाई किस लेवल पे ऑपरेट करने का. क्वेश्चन वही है ना, अपने पास 10 ऑप्शन वो है ना यार, 10% 20% 30% 40 50 60 70 80 90 100 ओके. तो अपने को 10 कॉस्ट शीट बनाकर बस बताने का है विच इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है. लेकिन मैं तुमको क्या बोलता हूँ, 10% बोले तो कितना यूनिट्स यार, 10,000. 20% बोले तो कितना, 20,000. ब्ला 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 ब्ला. लास्ट वाला ऑप्शन मतलब कितना यूनिट्स, 1 लाख. तो क्या करो, 10 कॉस्ट शीट वो बना लो. 10 कॉस्ट शीट्स के अंदर हर एक जगह पे तुम लोग मेरे को जरा बोलो, योर डिसीजन इज बेस्ड अपॉन प्रॉफिट पर यूनिट के टोटल प्रॉफिट. तो मैं क्या बोलता हूँ, पर यूनिट का कॉलम भी मैं नहीं बनाता अभी. तो पर यूनिट का कॉलम बनाकर क्या कर लेना है, व्हेन योर आंसर इज गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन टोटल प्रॉफिट, वो वाला धंधा अच्छा. आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, जिसमें टोटल प्रॉफिट ज्यादा. तो फिर पर यूनिट वाला कॉलम ही क्यों बनाऊं यार इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. तो वो मैं बनाएगा ही नहीं, ठीक है. तो अगर मैं पागल बंदा होता तो मैं 10 कॉस्ट शीट्स बनाता, ठीक है. और जिधर भी टोटल प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता ओके, वो वाला ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट होता, ठीक है. तुम लोग वो चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर थोड़ी सी अक्ल है. मैं क्या बोलता है, मैं 10 कॉस्ट शीट नहीं बनाएगा, मैं तो बहुत कम कॉस्ट शीट बनाएगा. क्यों, बराबर से सुनना. देखो 10, 20 और 30% और उसके बाद 40 to 100%. बराबर से सुनना मैं क्या बोलने वाला है. देखो सम के अंदर वो जो लाइन था, इट कैन मार्केट 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट 500 पर यूनिट प्रोवाइडेड इट इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, ठीक है. देखो मैं क्या बोलता हूं, चाहे तू जिस लेवल पर ऑपरेट कर, तेरे कई खर्चे तो दोनों जगह पर आने वाले हैं. देखो जो एबीसीडी वाला खर्चा है वो सिर्फ कभी होगा व्हेन यू ऑपरेट एट 100%, लेकिन जो उसके ऊपर वाले खर्चे थे वो तो होने वाले हैं. तो फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना है बेटा बताओ, 1,50,000. कैन वी से वो तो हर एक लेवल पर लगेगा. उसके बाद तुम्हारा एक और फिक्स्ड मार्केटिंग कॉस्ट है, कितने रुपीज का बेटा, 2,50,000 था, वो तो हर एक केस के ना वो लगेगा. उसके बाद एक वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, कितने पर यूनिट का, 30 पर यूनिट, यानी से वो तो हर एक जगह पे लगेगा ओके. तो ये वाले खर्चे तो तुम्हारे इधर भी लगेंगे, इधर भी लगेंगे, जिस भी लेवल के ऊपर ऑपरेट करके वो देख लो, ठीक है. तो ये वाले खर्चे तो वैसे ही लगेंगे, लेकिन उसके बाद ए बी सी और डी वाले खर्चे सिर्फ कभी लगेंगे व्हेन यू आर ऑपरेटिंग एट 100%, ठीक है. सो अभी बराबर से सुना मैं क्या बोलता है, नीचे वाला लाइन पहले पढ़ो, इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 550 पर यूनिट विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस रेफर टू इन, क्या लिखा है बेटा, ए टू डी अबव. तो मैं क्या बोलता हूं, मतलब अगर उसको 30% तक ही काम करने का है, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितने रुपीज का हो जाएगा बेटा, 550, ठीक है. और उसका एबीसीडी का खर्चा नहीं होगा. कैन वी से फिर भी इन कॉस्ट के अलावा एक और कॉस्ट भी तो है, वर्क्स कॉस्ट, कितने रुपीस का बेटा, 400 या 390 या 380, ठीक है. अच्छा ये लाइन मैं थर्ड टाइम अभी पढ़ रहा हूं, इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 550 पर यूनिट विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसिस रेफर टू इन ए टू डी अबव. अभी इसी लाइन को उल्टा सोचो, उसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर तुमको 30% के ऊपर ऑपरेट करने का है, अगर तुमको बोलो जो मैंने बोला, अगर तुमको 30% के ऊपर ऑपरेट करने का है तो फिर उल्टा हो जाएगा. उल्टा बोले तो तुमको सेलिंग प्राइस कितना करना पड़ेगा, 500, समझ में आता है.
और फिर तुम्हारा ए टू डी का भी खर्चा हो जाएगा. तुमको समझा ये चीज? ओके. तो वो जो लाइन दिया हो ना, इट कैन मार्केट 100% ऑफ इट्स आउटपुट. एक्चुअली इट शुड बी इट कैन मार्केट अप टू 100%. तुमको समझा? मतलब अगर 40 to 100% तो किधर भी ऑपरेट करता है तो तेरे को तेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना करना पड़ेगा? 500. और फिर तेरा ए टू डी का भी खर्चा हो जाएगा. तुमको समझा ये वाला चीज? समझ में आ गया? अभी मैं तुमको फाइनल चीज बोल रहा हूं. मेरे को बोलो 10% बोले तो कितना यूनिट्स? 20,000 बोले तो, सॉरी 20% मैंने बोल दिया तो 20,000, और ये कितना हो जाएगा? 30,000. देखो, अगर मैं पागल बंदा है और मैं कॉस्ट शीट इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, तो एक चीज ऑब्वियस है सर, इधर ना प्रॉफिट ज्यादा ही आएगा. क्यों? मैं तुमको तीन रीजन देता है, और सिर्फ तीन ही रीजन है. फर्स्ट, अगर प्रॉफिट पर यूनिट सेम भी रहा, अगर प्रॉफिट पर यूनिट सेम भी रहा बेटा, जिधर जितने ज्यादा यूनिट उधर उतना ज्यादा प्रॉफिट. तो बेटा यहां पर कितने यूनिट्स हैं? 30,000, तो ज्यादा ही प्रॉफिट आएगा. सेकंड, प्रॉफिट पर यूनिट भी अगर सोचोगे तो क्या हो जाएगा? 30% पर प्रॉफिट पर यूनिट भी ज्यादा होगा, क्योंकि वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट उधर और कम है. बेटा अगर कॉस्ट पर यूनिट कम होगा तो प्रॉफिट पर यूनिट तो बढ़ जाएगा ना. मतलब तो एक मिनट, अभी तक मैंने दो रीजन क्या दिए? मैं तुमको कन्विंस कर रहा हूं कि ना 10% और 20% पर कॉस्ट शीट बनाने का ही नहीं, क्योंकि अगर बनाओगे तो भी 30% पर प्रॉफिट हमेशा ज्यादा ही आएगा. मैंने अभी तक दो रीजन दिए. दो रीजन क्या दिए? अगर प्रॉफिट पर यूनिट सेम भी रहता है तो भी ज्यादा यूनिट्स तो ज्यादा प्रॉफिट. समझा? सेकंड बोलो, वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट वैसे भी 30% पर कम है तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा ना. और लास्टली देखो, ये सॉलिड रीजन है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेनिंग फिक्स्ड ओनली, इट इज बेटर टू ऑपरेट एट हायर लेवल. नो बेटा, अगर फिक्स्ड कॉस्ट तेरा फिक्स्ड ही रहने वाला है, ओके, तो फिर यहां पे जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही अच्छा है ना मेरे लिए, तो प्रॉफिट ज्यादा होएगा. तुमको समझ में आता है? इसीलिए दो लेवल्स पर कॉस्ट शीट नहीं बनाने का. कौन से दो लेवल पे? 10 और 20, क्योंकि 30% पर प्रॉफिट हमेशा ज्यादा ही आएगा. समझ में आता है? तो एक कॉस्ट शीट बनाएंगे कौन से लेवल पे? 30%. तुमको समझा? और उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस, सेम जो मैंने तुमको 10 टू 30 के लिए बोला, अभी तुमको सेम चीज मैं बोलने वाला हूं 40 to 100% के लिए. मैं 100% पर ही कॉस्ट शीट बनाएगा. क्यों? क्योंकि 40 to 90% पर प्रॉफिट कम ही आएगा. मेरे को बोलो क्यों? मेरे को तीन रीजन फिर से गिनाओ. ज्यादा यूनिट्स तो ज्यादा प्रॉफिट. आगे बोलो, वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट. यहां पे टेक्स्ट बुक जरा देखो कितने रुपीस का है, 310, वो सबसे कम है ना, तो प्रॉफिट पर यूनिट और बढ़ जाएगा. आगे लास्ट टाइम बोलो, लास्ट रीजन बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेनिंग फिक्स्ड, इट इज बेटर टू ऑपरेट एट द हायर लेवल. नो, तो इसलिए पागल नहीं बनने का, 10 लेवल पर कॉस्ट शीट नहीं बनाने का. कितने लेवल्स पे बनाने का? दो लेवल पे, एक 30% पे और एक 100% पे. और जिधर भी ज्यादा प्रॉफिट होएगा, दैट ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन. कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट पर यूनिट के टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट. तुमको समझ में आ गया? हम लोग ये वाला रीजन जो है, वी आर गोइंग टू बी राइटिंग थ्री रीजंस. ओके, देन विल टेक अ ब्रेक. उसके बाद ब्रेक के बाद तो कॉस्ट शीट जो होगा दैट यू ऑल विल ट्राई. लिखो जरा, प्लीज राइट डाउन, राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 5 उधर लिखना, जिधर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो पीछे पॉइंट्स रिमेंबर के ना मत लिख देना. राइट डाउन, एज कंपेयर टू 10 and 20%, कॉमा 30% विल ऑलवेज शो higher profit. Full stop. This is because first, more units means more profit. Second, works cost per unit is lower at 30%.
works cost per unit is lower at 30%. Third, fixed costs remaining fixed. It is better to operate at highest level. Next time pe likhna, ye fourth point nahi hai, next time pe likho. Similarly, as compared to 40 to 90%, comma, 100% will show higher profits. Full stop, therefore, we only made two cost sheets. We only make two cost sheets, comma, one at 30% and one at 100%. And that option is better where total profit is highest. तुम लोग ब्रेक लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं.